हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग? गाइस, उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ, देखने वाली हूँ वीवर्स आपके पर्सन की राइट नाउ आपको लेके क्या थिंकिंग है, क्या चल रहा है आपके पर्सन के मन में। ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, इसको जनरल रीडिंग की तरह से ही देखें। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट होती है, आपको इससे क्लैरिटी मिलती है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी और वीडियोज़ के लिए, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो। पर्सन रीडिंग लेना चाहते हैं व्यूवर्स तो वीडियो में ही आपको एक नंबर नीचे शो हो रहा होगा, एक लाइन जो दिख रही है आपको, ठीक है, इसमें नंबर है। आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके अपनी रीडिंग को लेके जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो मिल जाएगी, साथ ही साथ क्या चार्जेस रहेंगे, क्या प्रोसेस रहेगा वो भी आपको यहाँ पर पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है ये। चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, जिस भी व्यक्ति को लेकर आप रीडिंग देखना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। मेरे व्यूवर जिस पर्सन को लेके रीडिंग देखना चाहते हैं, उनकी ट्रू फीलिंग मेरे व्यूवर्स के लिए राइट नाउ की क्या है, वो इनको लेके करंटली क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। सो वी हैव फोर ऑफ वैंड्स, टू ऑफ सोर्ड, जजमेंट, एस ऑफ कप्स, टेम्परेंस एंड द किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। बॉटम से भी अगर आप देखेंगे तो लवर्स का कार्ड आता है और यहाँ पे क्या है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है। आपके लिए राशि इंपॉर्टेंट हो सकती है, एक तो धनु राशि, जेमिनी, इसके अलावा एरियस, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। सिंह राशि, टॉरस, कन्या और धनु, यही राशि व्यूवर्स यहाँ पे मुझे खास नज़र आ रही हैं, ठीक है। इसके अलावा नंबर में आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है 1, 10, 20, मे बी आपको 10-10 नंबर नज़र आ रहा हो, 4, 6 एंड 1 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। इसके अलावा नंबर 14 आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट नज़र आ रहा है, ठीक है। मैं इन कार्ड्स को क्लेरिफाई कर रही हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, मुझे बताएं फोर ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। फोर ऑफ वैंड्स की एनर्जी, डिवाइन एंजल, साइलेंस एंड द रीबर्थ। टू ऑफ सोर्ड को यूनिवर्स एंजल्स क्लेरिफाई करें। टू ऑफ सोर्ड, पॉसिबिलिटीज, आइसोलेशन। जजमेंट को यूनिवर्स एंजल्स क्लेरिफाई करें। जजमेंट, कॉन्शियसनेस, न्यू विजन। एस ऑफ कप्स को यूनिवर्स एंजल्स क्लेरिफाई करें। माइंड, मोरालिटी, ये भी कार्ड आना चाह रहा है, अंडरस्टैंडिंग। टेम्परेंस को यूनिवर्स एंजल्स क्लेरिफाई करें। ऑर्डिनरीनेस एंड दिस सक्सेस। किंग ऑफ कप्स, मोमेंट टू मोमेंट एंड दी एब्जॉर्प्शन। बॉटम से है बर्डन, ठीक है। ओके व्यूअर्स, तो सबसे पहले ऐसा नज़र आ रहा है आप के पर्सन आपसे मे भी बात नहीं कर रहे हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांगली हो सकती है, ये बहुत रेयरली ओकेजनली आप लोगों के बीच में बात हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पे इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का या बहुत रेयरली आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होने का या ना होने का जो रीज़न नज़र आ रहा है वो है पुशिंग एनर्जी, ठीक है। मे बी आप अपने पर्सन को कोई डिसीजन लेने के लिए पुश कर रहे थे या इनको लेके बोल रहे थे कि ये करो, ये मत करो, समथिंग लाइक कुछ ऐसा हो सकता है, या फिर आप इनको किसी तरह का कोई इन्फ्लुएंस कर रहे थे, ठीक है। तो मे बी वो रिलेशनशिप को लेके ही है, मैरिज को लेके ही है, आप दोनों के बीच में
आप कह रहे हो कि भाई अगर आपको मेरे से शादी करनी है तो आप ये करो या ये मत करो या ऐसे करो या वैसे करो, कुछ ऐसी एनर्जीज गाइस यहाँ पे मिलती है। और आपके पर्सन मुझे यहाँ पे ये दिखा रहे हैं डोंट पुश मी, ठीक है, कि मुझे पुश मत करो, मुझे मुझे फोर्स मत करो, मुझे मेरा टाइम लेने दो। और इसी वजह से व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है कि वो आपको कन्विंस नहीं कर पा रहे थे इस कनेक्शन को लेके, क्योंकि यू आर फीलिंग इनसिक्योर कि भाई ये पर्सन अपना कमिटमेंट तोड़ रही है या तोड़ रहा है, या इसके लाइफ में कोई और आ गया है, या फिर अभी ये पर्सन मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है, और ये बात नहीं करना चाहते या नहीं करना चाहती हैं। समवेयर लाइक डाउट्स एनर्जी और ट्रस्ट इश्यूज़ यहाँ पर आप लोगों के बीच में नज़र आते हैं। साथ ही साथ ये भी नज़र आता है कि आपके पर्सन यस कहीं ना कहीं वो स्ट्रेंथ कलेक्ट नहीं कर पा रहे थे, या जो एक्शन आप इनसे लेने के लिए बोल रहे हो आपके पर्सन उसको अपने अकॉर्डिंग डील करना चाह रहे थे, तो इसी वजह से उन्होंने आपसे एक डिस्टेंस मेंटेन किया है। और ये डिस्टेंस लेने की वजह सिर्फ और सिर्फ एक है, क्योंकि वो किसी तरह का बर्डन या प्रेशर अपने ऊपर नहीं चाहते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कार्ड्स की एनर्जी भी सीधे सीधे यही दिखाई दे रही है कि जो आप इनसे करवाना चाहते हैं, ठीक है, या जो आप इनसे पाना चाहते हैं, दोनों ही तरह से आप ले सकते हो, वो आपके पर्सन आपको देने में कहीं ना कहीं इनकैपेबल अपने आप को फील कर रहे हैं, ठीक है। वो ऐसा ही फील कर रहे हैं कि यार मेरे लिए ये इतना इजी नहीं है, ये बहुत रफ़ एंड टफ टास्क है। तो ऐसा कुछ हो सकता है भाई शादी को लेके कमिटमेंट है, या फिर शादी निभानी है, या जो भी है आप लोगों के बीच में क्लैरिटी आपको चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो वो पर्सन आपके क्लैरिटी नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि इनके पास में कुछ ऐसी सिचुएशन नज़र आती है जहाँ पर इनको समझ में ही नहीं आ रहा था इनको करना क्या है, ठीक है, किस तरह से डील करना है, या फिर किसी को छोड़ना है तो क्यों छोड़ना है, कैसे छोड़ना है, आपको पाना है तो कैसे पाना है, क्यों पाना है। समवेयर देर इज़ अ बैटल, ठीक है, आपके पर्सन के माइंड में मुझे यहाँ पे बैटल ही नज़र आती है जो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग चल रही है। यहाँ पे व्यूअर्स आपके पर्सन ये भी कह रहे हैं कि जो तुम जिस तरह से तुम इस कनेक्शन को देखते हो, मे बी आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो एक चीज़ पे आके स्टक हो गया है, ठीक है। आप इस कनेक्शन को लेके रिजिड हो गए हो, इनकी सिचुएशन को समझते नहीं हो, इनकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड नहीं करते हो, इनकी लाइफ में कितने ट्रबल चल रहे हैं, या फिर ये जो डिसीजन लेना है, ठीक है, वो आप सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड होके देख रहे हो, अपने बारे में ही सोच रहे हो, इस पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे ये डील करेंगे या नहीं करेंगे, ये चीज़ों से आपको मतलब फोकस नहीं है। आपका फोकस क्या है, सिर्फ अपने ऊपर, आप अपने मोटिव पर फोकस करके बैठे हुए हो, लेकिन इस पर्सन की जो भी सिचुएशन है आप उसको नहीं जांच रहे हो, उसको नहीं आंक रहे हो। आपका माइंडसेट बहुत मतलब इमेच्योर या शॉर्ट नज़र आ रहा है, और आपके पर्सन चाह रहे हैं कि आप दूसरे नज़रिए से भी इन चीज़ों को देखो, इन चीज़ों को डील करो, इन चीज़ों को फेस करो। तो एक इस वजह से आप दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है वो इस कनेक्शन को लेके मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि बन नहीं पा रही है, ठीक है। एक दूसरे के साथ में आप लोगों की सिचुएशन सही से हैंडल नहीं हो पा रही है, राइट। लेकिन ना ये भी ज़रूर है व्यूअर्स कि आपके जो पर्सन है ऐसा नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, बिल्कुल आपसे प्यार करते हैं आपके पर्सन, और आपके पर्सन समवेयर इस कनेक्शन को वो भी डेस्टिनी से जुड़ा हुआ मानते हैं, ठीक है, कि आप दोनों के बीच में कुछ तो ऐसा रिश्ता जो डेस्टाइन है। मे बी आप लोग ऐसे ही एक दूसरे के साथ में नहीं जुड़े हो, मे बी समवेयर दे फील लाइक अ पास्ट लाइक कनेक्शन विद यू, लेकिन वो कॉन्फिडेंट नहीं है इस कनेक्शन को लेके, ठीक है। आपके साथ में बॉन्ड तो बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं, अटैचमेंट भी बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं, दिन रात आप उनके माइंड में चलते हो, हर वक्त वो इस कनेक्शन को लेके उस ऑफर के बारे में सोचते हैं जो आप इनसे मांग रहे हो, जो आप इनसे डिज़र्व करते हो, ठीक है, वो हक वो अधिकार जो आप इनसे पाना चाहते हो अपने पर्सन से, एज ए मैरिज, एज ए कमिटमेंट, एज ए सक्सेसफुल लाइफ, एक दूसरे के साथ में रियूनियन, सही है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है व्यूवर्स, और आपके पर्सन दिन रात इन चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं, हर वक्त कहीं ना कहीं कोई कैलकुलेशन से जैसे करते रहते हैं कि ये कर लूँ या वो कर लूँ। इस वक्त भी इस पर्सन के माइंड में यही चल रहा है, थिंकिंग एनर्जी है, ठीक है, इस कनेक्शन की सक्सेस को लेके ही सोच रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन को भी आपकी एक हैबिट तो है, ये भी आपके बिना नहीं रह सकते हैं, बेशक ये आपसे बात ना करें लेकिन सोचते बहुत हैं आपके बारे में।
थोड़े टाइम के सही जब इनको लगता है कि नहीं रह पाएंगे आपसे बात करे बिना, तो मे भी आपके पास में आके आपसे बात करते होंगे, पर बात करना अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे नज़र आ रहा है सीधे सीधे एक डिनाइल एनर्जी है कि मैं बात नहीं करूँगी, नहीं करूँगा, क्योंकि मैं अगर बात करूँगी या करूँगा तो सामने वाला पर्सन मुझसे कमिटमेंट ही मांगेगा जो मैं उसको नहीं दे सकता, या उसके साथ में मैं उस तरह से कनेक्शन नहीं ले बना के चल पा रहा या चल पा रही हूँ। ठीक है, तो एक डिनाइल मोड तो यहाँ पे नज़र आ रहा, बस यस कहीं ना कहीं किंग ऑफ कप्स की एनर्जी भी जो यहाँ पे दिखाती है, इस पर्सन के मन में आपको लेके इमोशनल फीलिंग्स हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई और किंग नहीं है, यहाँ पे सीधे सीधे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है जो दिखा रही है इस पर्सन के मन में आज भी आपको लेके बेहद प्यार है, और वो प्यार आपके पर्सन आपसे जोड़ना भी चाहते हैं, ठीक है, कनेक्शन रखना भी चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं आपके साथ में आना और आपसे रिश्ता रखना या आपका हो जाना इस पर्सन के लिए एक चैलेंज ही नज़र आ रहा है, क्योंकि इस पर्सन की लाइफ में वर्स ऐसी सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट नज़र आ रही है जहाँ पर आपके पर्सन अपनी लाइफ को इस समय एक डिजास्टर वे से गुजरता हुआ देख रहे हैं। ठीक है, एक डिजास्टर जो उनकी लाइफ में चल रहा है, इनको ये डर है कि अगर वो आपकी तरफ आते हैं तो समवेयर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो ही जाएंगी। ठीक है, और वो कोई कॉम्प्लिकेशन अपनी लाइफ में एक्स्ट्रा नहीं चाहते हैं, एक ऐसे पर्सन बनने की कोशिश करें आपके पर्सन जो कि प्लेटोनिक कह सकते हैं, ठीक है, कि हर एक की नज़रों में अच्छा बना रहना चाहते हैं, किसी की नज़रों में ये अपनी इमेज को ख़राब नहीं करना चाहते हैं, किसी को दर्द नहीं देना चाहते हैं, ठीक है, आपको भी नहीं देना चाहते, ऐसा नहीं है कि वो आपको दर्द देना चाहते, क्योंकि प्यार तो आपसे भी आपके पर्सन बहुत करते हैं और वो भी चाहते हैं कि आपका रिश्ता मतलब एक दूसरे के साथ में बना रहे, कनेक्टेड रहे। ठीक है, वो भी इस कनेक्शन पर जो जजमेंट यहाँ पर लेना है, जजमेंट में देखेंगे आप तो ऐसे आपकी एनर्जी आ रही है, यानी कि वो भी आपके पर्सन आपको अपना जो प्यार है वो ऑफर करना चाहते हैं, वो आपको अपना प्यार देना चाहते हैं, बट इनका जो इनर माइंडसेट है या इनकी आपके अलावा जो लाइफ है वो अप एंड डाउन से भरी हुई नज़र आ रही है, और ये आपके पर्सन अपनी लाइफ के इन अप एंड डाउन्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और इसी वजह से व्यूअर्स यहाँ पे सीधे सीधे नज़र आ रहा है कि ये जो व्यक्ति हैं ये इस कनेक्शन में जो भी डिसीजन लेना है वो उसको डिले करते चले जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है आपके लिए रोते नहीं है या आपके लिए तड़पते नहीं है, अपने आप को जितना ये छुपाने की कोशिश कर लें, ठीक है, अपने आंसुओं को फ्रीज करने की कोशिश कर लें, पर आंसुओं की जो गर्माहट है वो नज़र आ ही जाती है। ठीक है, कहते हैं ना आंसुओं में एक अपनी अलग एनर्जी होती है, और वो ये पर्सन चाहे के जितना भी उनको कंट्रोल कर लें, चाहे जितना अपने अपने इमोशन को डाउन करने की कोशिश करें, पर नहीं, ये पर्सन भी व्यूअर्स आपके बिना खुश नहीं है, इनको भी आपकी ज़रूरत है, ये भी आपसे बात करने के लिए तड़प रहे हैं यहाँ पे, ये भी आपका प्यार पाना चाहते हैं, साथ पाना चाहते हैं। ठीक है, आपके बिना ये अगर ये खुश हैं तो आपकी ये कहीं ना कहीं यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है कि नहीं, ये पर्सन खुश नहीं है, यहाँ पे आंसुओं में एक लालिमा सी नज़र आ रही है। ठीक है, अगर आप देखेंगे ना जैसे कि ब्लड एनर्जी, कुछ वैसी एनर्जी जहाँ पर इंसान अपनी आंखों से शोले जैसे गिरा रहा है, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। तो ये पर्सन व्यूअर्स आपके बिना अपनी लाइफ में मुझे एक ऐसी डाउनफॉल से मुझे कनेक्टेड नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर इस पर्सन की लाइफ में कुछ हो तो रहा है पर वो इनके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, ये आपको पाना चाहते हैं लेकिन पा नहीं सकते हैं, ये अपनी लाइफ में आपसे दूर जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं सकते हैं, आपके बिना रहने की सोचते हैं रह नहीं सकते हैं, आपको भूलने की सोचते हैं भूल नहीं सकते हैं, आपके प्यार को डिनाई करने की सोचते हैं, एंड करने की सोचते हैं, वो भी नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने आप को जैसे इनकैपेबल सा मान रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस सिचुएशन को कैसे डील करूँ। ठीक है, तो अपना टाइम ले रहे हैं ये व्यक्ति जो भी आप हैं, आपके पर्सन हैं, इनका अपना माइंडसेट है, और आपके पर्सन यहाँ पे ये चाहते हैं कि भाई मुझे मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्क करने दो। और व्यूअर्स एक मैसेज और जो मुझे यहाँ पे मिलता है वो ये, अगर आपके पर्सन आपके साथ में इस कनेक्शन को, इस डिवाइन लव को अगर एंड करके गए हैं और किसी थर्ड पार्टी या कार्मिक पर्सन को इस पर्सन ने चूज़ किया है, तो ये जो शोले वाली एनर्जी है ना, आँखों से अंगारे निकलने वाली एनर्जी, वो भी आपके प्यार के लिए ही है। ठीक है, तो ये पर्सन यहाँ पे यही कह रहे हैं कि इनको आपका प्यार तो चाहिए लेकिन वो क्या पा सकते हैं। जैसे किस्मत में तुम्हारा प्यार इस पर्सन ने या तो खुद टुकरा दिया या ये अपनी किस्मत से लड़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि फाइट तो इस पर्सन को करनी ही पड़ेगी। तो ऐसी एनर्जी गाइज यहाँ पे है आपके पर्सन की लाइफ में, जहाँ पर आपके पर्सन खुद अपनी लाइफ में मुझे एक प्रॉब्लम को, एक बर्डन को कैरी फॉरवर्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है,
सोचते बहुत ज़्यादा हैं आपके बारे में, ये तो यहाँ पे 100% है। आप इनको बहुत ब्यूटीफुल लगते हो, आपकी आपकी जो फिजिकल अपीयरेंस है इनको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, ठीक है। डिज़ायर काफ़ी है आपके बारे में, देख रहे हो, ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने वाली एनर्जी है। जैसे बहुत कुछ इनको पाना है, ठीक है, लेकिन क्या वो पाना जो आप जो हो, क्या वो पाना इतना आसान है? इस पर्सन को लग रहा है जैसे कि इनकी सिर्फ ख्वाहिशें हैं और वो पता नहीं इनको मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, ये भी एनर्जी यहाँ पे नज़र आती है। ओके, तो चलिए कुछ चैनल मैसेज यहाँ पे लेते हैं। सो लेट्स सी आपके लिए चैनल मैसेज में क्या आ रहे हैं मैसेजेस आपके पर्सन के। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इनको क्या संदेश देना चाहते हैं आज रात। Why you love me so much after know all the reality? आप इन्हें क्यों प्यार करते हो जबकि आप इनके बारे में सब कुछ जानते हो? मे बी आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो, मे बी देर इज़ अ पॉसिबिलिटी वो पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकता है या हो सकती है, ठीक है, या इनके लाइफ के जो कॉम्प्लिकेशंस है वो आप ऑलरेडी जानते हो कि इन्होंने क्या किया है आपके साथ में, ठीक है। आपके प्यार को अगर छोड़ के किसी और के प्यार को अगर इन्होंने एक्सेप्ट किया, क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं जो लवर्स के साथ में डेथ की एनर्जी आई है, दिखा रही है कि आपके कनेक्शन को छोड़ के किसी और के साथ में ये पर्सन गए हैं और फिर भी आप इन्हें प्यार कर रहे हो, फिर भी आप इन्हें पाना चाहते हो, तो क्यों, क्या वजह है, ठीक है, ये एक क्वेश्चन यहाँ पर रेज होता है। व्हेन आई सी यू इन माई ड्रीम्स आई बिकम नर्वस, आपको अपने ड्रीम में देख के समटाइम इनको नर्वसनेस होती है। दो पॉसिबिलिटी है, एक तो ये आपको पाना चाहते हैं पर पा नहीं सकते, फिर आपको अगर सामने देखते हैं तो नर्वसनेस इसलिए भी आती है कि जैसे इनकी कोई चोरी पकड़ी गई हो, ठीक है, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पे है। इवन इन ए क्राउड आई हैड ओनली लुक एट यू, जब आपको देखते हैं, मतलब जैसे क्राउड है, फुल ऑफ क्राउड भरा हुआ है और इनकी निगाहें आप ही के ऊपर आके टिक जाती हैं, ठीक है, जैसे कहीं और जाती नहीं है, आप इनको ऑब्सेस भी करते हो। आई एम सॉरी फॉर ब्लॉकिंग यू, आई वॉज ट्रिगर्ड, मैंने बोला था ये आपको ब्लॉक कर रहे हैं क्योंकि ये ट्रिगर्ड थे, ठीक है। समथिंग इज़ बिटवीन अस विच कनेक्टेड बोथ ऑफ अस, हमारे बीच में कुछ तो ऐसा है जो हम दोनों को आज भी एक दूसरे से कनेक्टेड रखता है। इट ऑल स्टार्टेड विद सिंपल हाई बट नाओ यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन ऑफ माई लाइफ, तो आप दोनों के बीच में जो भी स्टार्ट हुआ वो सिर्फ एक हाय हेलो से स्टार्ट हुआ, लेकिन राइट नाउ आप उस पर्सन की लाइफ में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन बन चुके हो, ठीक है। जैसे फॉर्मल से, एक फॉर्मेलिटी से शुरू होके लाइफ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाना, ठीक है। सो ये है व्यूवर्स रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो उसे क्लेम करें, मुझे बताएं कितनी आपसे रेजोनेट हुई, कितनी आपको उसे क्लैरिटी मिली अपने अपने पर्सन के माइंड को लेके। सो व्यूवर्स रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हुई तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए ऊपर दिए हुए नंबर पर अप्रोच करिएगा, वीडियो में जो नंबर शो हो रहा है। ओके, सो बाय, अपना ध्यान रखिए, खुद को हील एंड पॉजिटिव रखिएगा। ओके, सो टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।